हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं प्रीति एंड पीयू। और ये वीडियो जो है, आज का ब्लॉग जो है, कल का ही दूसरा पार्ट है जो कल आपने देखा। तो हम लोग चलिए देखिए आगे चल के वीडियो अच्छा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ म्यूट करके मैं बोल रही हूँ, ठीक है? न्यू आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा। दूसरा पार्ट है, मतलब कल का वीडियो का दूसरा पार्ट है, मतलब फर्स्ट फाइनल कर ले चुके हैं और अभी जो देख रहे हैं कल वाले वीडियो का, ठीक है? तो आज हमारे यहाँ मेरे भाई भाभी भी आए थे, वो जा चुके हैं। मम्मी भी, आप देखिए मम्मी को कल दिखाया था मैंने आपको, मम्मी भी जा चुकी है। चाचा आए, भाई आया है तो वो अपना ब्लॉग शुरू कर रहा है, उसने भी नया चैनल चालू किया है। तो हमारा ब्लॉग से ब्लॉग टकरा रहा है, हमारा ब्लॉग से ब्लॉग टकरा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, भाई ने, मेरे भाई ने, उसने भी ब्लॉग शूट किया अपना, मतलब चैनल नया स्टार्ट किया है। तो प्लीज अब इसको भी सपोर्ट करिएगा, जिस तरह आप हमें, मुझे कर रहे हैं ना, इसी तरह इसे भी करिएगा। अब ये हाँ करो, चलो करो, देख सकते हैं। अब गाइस, दीदी ब्लॉगिंग कर ही रही थी तो मैंने कहा चलो दिखा देता हूँ थोड़ा, जैसे कि वो चाचा भी आए थे, भांजा भी पकड़े हैं मोबाइल, इधर देख लीजिए। तो हमारा ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग से ब्लॉग तक आ गया, तो आप देख सकते हैं दोनों ब्लॉग चालू हैं। तो गाइस, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को भी प्यार दीजिएगा अपना, ठीक है? और हमारी बेटी को जो प्यार दीजिएगा, बड़ी बेटी है हमारी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दी। दो बेटियों में सबसे बड़ी, भाइयों में दो बेटियां हैं, सबसे बड़ी यही बेटियां है, बेटी है हमारी। और ये मायरो आई है, नाम से मायरो भी आई आज, पता है आपने देखा होगा पहले वीडियो में। सक्सेना के नाम से जो है, जो आठ भाइयों में दो बहन है, पीयूष सक्सेना के नाम से जो प्रीति से हमने कहा था कि प्रीति मेरी लड़की है, अब पीयूष सक्सेना के नाम से चलता है। ये देखिए मायरू भी आई है, आइए ना। तो अपने अपने चैनल के बारे में बोलो कुछ। मेरे चैनल का नाम कनपुरिया अर्जुन ब्लॉग है, और जैसे कि अगर आपको देखना है तो सर्च करिएगा कनपुरिया अर्जुन ब्लॉग, कैपिटल लेटर में, तुरंत आपका मेरा वीडियो आ जाएगा। मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, जाके सब्सक्राइब कर लेना सारे लोग, ठीक है? और ये मेरी मुआयरा है, मतलब मेरी मुसलमान की बेटी है, वो भी लड़की है हमारी। और देखिए कितने घंटे से वाले हैं, और दीदी से भी बताया, दीदी कहने लगी खाना रेडी कर दिया, मैंने कहा अभी खाना नहीं खाएंगे, जा रहे हो, साधन मिलेगा है नहीं, क्योंकि भाई बड़ा बात खराब थी। और तो गाइस पता है, अभी अर्जुन के नेक्स्ट वीडियो में हम नजर आएंगे, फिर देखते कब आते हैं। अर्जुन नया नया वीडियो दोगे ना? हाँ, अच्छे अच्छे हाँ, हाँ। आप कमेंट करना, बाकी हम इसके ऊपर फैंस के बैठेंगे, बढ़िया बढ़िया वीडियो लाना, ठीक है? ठीक ठीक। तो बढ़िया बढ़िया वीडियो देना हमारे व्यूअर्स को, तभी तो आप तुम्हें सपोर्ट करेंगे, है ना? सपोर्ट करना आप लोग, ठीक है मेरे भाई को? चलिए ठीक है, मिलते हैं, ठीक है फिर मिलते हैं, ठीक है ना? तो निकलना, आपसे भी मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? आपको थोड़ा बहुत। तो गाइस चाचा लोग चले गए हैं, जाते हुए नहीं दिखा पाई, लेकिन रुकते हैं, खाना वाना होता है, लेकिन आप जानते हैं बिटिया लेके आए थे। और 26 तारीख के, मतलब उसमें ना बस बस तो सवारी सही से मिलती नहीं है, तो जाना जल्दी, निकलना जरूरी था, तो 7 बजे करीब निकल गए थे। और फिर बच्ची को लेके आए थे, मौसम भी शाम को जल्दी ठंडा भी हो रहा है और अंधेरा भी हो जाता है, चले गए। मैं यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ, सबको खाना देंगे, खाना वाना खा के ही जाते, लेकिन क्योंकि बच्ची को लेके आए थे ना, इसलिए बहुत हिली हुई है, चाचा से बहुत हिली है, और मुझको भी वो पहचानती है, वो शुरू से आवाज भी सुनती है, वीडियो कॉलिंग में बात होती है ना, तो मुझे, और वैसे भी आप जानते हो मुझे बेटियों से बड़ा प्यार है, तो वो ऑटोमेटिक वो एक हो ही जाता है। और पापा खाना देने जा रहे हैं, आज का यही रूटीन था मेरा आज, मतलब सारा दिन आपको तो सुबह का कल आप वीडियो देख चुके हैं, वही है यही रूटीन सब था जो जो है, और उस समय तो शूट नहीं कर पाए, सब चले गए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। 26 जनवरी के सबका सब कुछ, तो भाई पापा खाना दे दिया, पापा खाना खा रहे हैं, बच्चे भी खाना खा रहे हैं।
भाई अपना कढ़ी चावल। कढ़ी आप जानते हो ज़्यादा थोड़ी ना ज़्यादा बनी जाती है। तो चलिए मिलते हैं बाबू, आपसे कर लेते हैं आपसे, ठीक है। बाबू आ गया, खाना वाना खिला दिया है, बच्चे ने भी खा लिया है, एक बच्चा इधर बैठा है, पापा अपने कमरे में खाना खा के सो गए हैं। बोलो, बात करो, हेलो बोलो सबसे। हाय, हेलो। और कुछ बोलिए। और कुछ का आज पता कौन आया था? 26 दिसंबर है आज, 26 जनवरी है। 26 जनवरी है आज, बहुत हम लोगों का देश आजाद हुआ था। नहीं, आजाद तो 15 अगस्त को होता, आज के दिन कुछ बातें फराया जाता था, लागू करी गई थी, नियम चालू हुए थे पर वो नियम कहीं हो नहीं पाते। मैं कौन से नियम? अरे जो नियम चालू करे गए थे हो नहीं पाते। ये किनारे बैठे, इधर आओ। वो नियम चालू नहीं हो पाते। हाँ, जैसे कि दारू बंद, कहाँ बंद ही नहीं होती, बंद होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मिल जाती है आदमी को। गली जाम हर जगह है, गली जाम कर रहे जाम गली हर जगह है, कानपुर में तो बिल्कुल ही फेमस है। और गाइस आप लोगों से एक बात कहें, आप लोग भी अपना टॉपिक दे दिया करो, अगर आप चाहते हैं कानपुर की कोई भी फेमस जगह या कुछ भी फेमस मतलब खाने के शौकीन या देखने के शौकीन है, तो आप कमेंट एक बार करा करिए कि मुझे ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ वहाँ पे ये खाने वाली चीज़ें बड़ी फेमस है, दिखाइए। तो हम लोग भी थोड़ा टॉपिक दिया करिए, आप लोग दे दिया करिए तो हम लोग भी उस टॉपिक पर आपके लिए लाएंगे कंटेंट। आप दो तो थोड़ा सा तो हमें भी समझ में आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम भी कानपुर तो अच्छा ब्लॉग लाएंगे और भी मतलब कोशिश करेंगे आप जैसा अच्छा, कर दो अच्छा से अच्छा। हाँ, ऐसे तो अपने मन से नहीं आते, जो भी आता है जो हमें समझ में आता है वो कंटेंट डाल देते हैं। अगर आप बताएंगे तो आपकी मर्जी से आप कंटेंट कोशिश करेंगे लाएंगे, आपको कानपुर की चीज़ें हैं या कानपुर का कोई भी फेमस जगह होगी आप जो बोलोगे वो कमेंट कर दिया करो कि हाँ ये जगह दिखाइए, तो हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके लिए लाने के लिए ना। और बताओ, और अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ। हम लोग की लव स्टोरी सब जानते हैं। हाँ, जब हम लोग ने करी नहीं थी तब मतलब सबकी होती ना, जब शादी नहीं होती जब तक लव स्टोरी के पहले भी चर्चे होते हैं और लव स्टोरी के बाद जो शादी हो जाती है उसके बाद भी चर्चे चर्चे। बड़ी खतरनाक लव स्टोरी है, तो बच्चे हो गए का स्टोरी सुनाए। नहीं, जिस दिन सुनाऊंगा उस दिन खाली पूरी यही सुनाऊंगा। हाँ हाँ सुनाएंगे, आप लोग कमेंट करोगे तो पूरी लव स्टोरी बताएंगे। मेरे को अनोखी नहीं है, बहुत से लोगों की होती है। और मेरे आराम से सुकून से बैठ के पूरी कहानी शुरू से आखिर वही आपको। हाँ, स्माइल जो रहती ना, मैं बहुत हंसती हूँ और इनके वजह से मैं खुश भी रहती हूँ। ऐसे पहले मैं ऊपरी खुशी रहती थी, लेकिन हाँ मैंने लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया, दुख बहुत झेले हैं, मतलब दुख सभी झेलते हैं, आपको मतलब सभी झेलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही होता ना क्या। आते हुए कुछ और। हाँ, तो आयु बोलो। तो बस यही है, हम दो हैं, हमारे दो हैं, मेरे दो अनमोल रतन, एक है आयुष पीयूष, हाँ दूसरा पीयूष, मेरे दो अनमोल रतन, यही हमारी छोटी सी फैमिली। लेकिन इस फैमिली को देख के लोगों की इधर उधर से, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है बात भी उन्हीं की होती है ना, जिनमें कोई बात होती है भाई, जिनमें जब कोई बात ही नहीं होती तो उनकी बात नहीं कोई करता है, तो हमें भी लगता है हमारे में कोई बात है भाई, तभी तो इंसान बात भी करता है। और जैसे हम तो आपका नहीं देखते, और 10 बार वही जो मना जो कहते हैं ना हम वीडियो नहीं देखते, वही सबसे पहले वीडियो देखते हैं, वहाँ पे आके देख भी लेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, बिल्कुल सूंघ के बैठ जाएंगे कि हमने देखा ही नहीं। लेकिन ऐसे ही है सब, लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, कुछ लोग मेरी लाइफ में आपकी लाइफ में, और खासकर इतने लोग होते हैं, लेकिन जब तक हेटर्स लोग नहीं होते ना लाइफ जीने का मजा भी नहीं आता। विलन होना चाहिए लाइफ में, विलन होता है तो लाइफ को मतलब एकदम अपने आप में, उससे डरना घबराना नहीं, वो अपनी जो विलन लोग है ना उससे ताकत बनो, जो उनकी बातों से ताकत आती, मुझे तो पावर मिलती सच में। पहले मैं रोती थी, किसी ने कुछ कह दिया रोने लगती थी, अभी मैंने रोती होती हूँ उससे मुझे पावर आती है, और मुझे लगता है हाँ और करके दिखाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए, अपनी मैं डरती पहले बहुत डर जाती थी, रो देती थी ये बात, अब तो इस कान से सुनती हूँ उस कान से निकालती हूँ, आंखें खोल के बस अपनी मंजिल पे चल रहे हैं ना बाबू। और ना आप ये भी, इनको भी नहीं लगता, हमको भी नहीं लगता है, हमारी जो फैमिली है भैया, हम लगता है हमारे घर में हम लोग इतना नहीं सोचते, लेकिन हमारे बारे में बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ सोचते हैं, इनके घर में कल ऐसा होगा, मतलब मेरा भविष्य पुराण उन्हीं उनके हाथ में से लिखा है,
जैसे वो जो ब्रह्मा जी लोग लिखते हैं ना, जैसे लग रहा है उनने लिखा है कि इनके भविष्य में ये होएगा, उनके भविष्य में ये होएगा, मतलब पहले से देख के बैठे हुए भैया काय के लिए लाइफ मेरी, उनके पता नहीं कौन से चुन्ना काटा करता लोगों के अरे मेरी लाइफ में थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन हाँ पता नहीं कौन सी उनकी खुजली हुआ करती है कि मेरी लाइफ में अबे होगा, मेरे साथ होगा ना, अगर जो स्ट्रगल मेरी लाइफ में लिखा, बच्चों को सुख लिखा हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, तो मरना तो ही है ना, वो तो मेरे ऊपर है ना, हम तो वैसे मेरे साथ जो होता है तो अपने ऊपर ही कहते हैं कि है ना, हमारे साथ जो गलत हुआ है अच्छा हुआ तो मेरे वजह से हो रहा है, हम किसी को वैसे भी नहीं कहते, जब इंसान हर इंसान यही सोच लेना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं समझेंगे, वो कहते हैं ना जिसकी सोच कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है सीधी नहीं भैया, उनके पीछे ना पड़ो, उनकी टेढ़ी रहने दो अच्छी है तभी टेढ़ी रहती, तो फिर कभी ना कभी कोई काट देगा, बस डबर मैन बनने का घूमो तो हमारी फैमिली में भी, मतलब फैमिली क्या, हमारे फैमिली में ही लोगों को तक तोड़ने की कोशिश करी गई, तोड़ा गया, बहुत तोड़ा गया, मोड़ा गया, तो कहते हैं ना फैमिली के एकजुट होना बहुत जरूरी है, अगर आपकी ये पांच उंगली ना आप ऐसे इकट्ठा साथ में हो ना तो मुट्ठी एक मुक्का मारो सही हो जाए इंसान, लेकिन ये पांच उंगली अलग अलग कर दो तो लोग तोड़ देते हैं, और ये नहीं सोचते हैं टूट तो गई है लेकिन जब मिलेगी ना तोड़ देगी तोड़ देगी, तो बस वही है थोड़ी सी बातें होती हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए क्या लाए हैं, बातें हो गई बातें, कभी बैठ के बातें करेंगे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएंगे, लव भी अरेंज हुई है हमारी और बहुत बेमिसाल शादी हुई है, मेरी ऐसी बहुत लोग की होती है, लेकिन हमको कुछ ज्यादा मान यहाँ पे ताज बनाया गया है कि हाँ हमने बहुत अनोखी, तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि अरे यार मैं बहुत स्पेशल हूँ है ना, तो चलिए मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, वीडियो पसंद आया पहले मुझे खा लें थोड़ी, आप लोग खाइए, आप लोग कैसे ये खा लेते हैं कैसी है, चपाती खाएंगे, आप लोगों ने 26 जनवरी को कैसे से निपट के अभी बता देना, ये कल वाली वीडियो का ही दूसरा पार्ट था, मैंने पहले ही बताया आपको और सब लोग को, आप निपटे आज का वीडियो इतना रहा और टॉपिक आप जरूर बताना, अगर आपको कोई वीडियो देखना हो जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो बोलो छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हाँ आज मेरे चाचा जी आए थे, मैं अपने चाचा जी की बहुत लाडली हूँ, मैं पूरे घर की बहुत लाडली वैसे, लेकिन वो दिखता नहीं ना, लेकिन चाचा जी की उनके अंदर जो है वो बाहर है वो अंदर भी है, मतलब प्यार करते हैं, उनका समझ में भी आता है हाँ प्यार करते हैं, लेकिन परिवार में कुछ लोग को अपनों में अपना ही पहचानना बड़ा मुश्किल है, प्यार तो दिखाते तो सब वो प्यार करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता यही छुरी बोक दे दो, लेकिन कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं, तो चाचा जी चले गए, सब लोग चले गए, तो बहुत प्यार भी करते, मैं भी प्यार करती हूँ बचपन से, तो ठीक है बाय, लव यू, बाय, गुड नाइट।